आज आज धन्यवाद धन्यवाद। आज इस मातोश्री पर आप सारे भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, बजरंग दल के कई नेता, विश्व हिंदू परिषद के कई नेता, आज शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब को मिलने के लिए आए हैं। ये सारे जय राम जय श्री राम का नारा देते हुए उद्धव जी ठाकरे जी भी जिंदाबाद करते ऐसा नारा देकर यहाँ आए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज जो प्रवेश लेने के लिए आए हैं उनमें हमारे शिवसेना के राज्य संगठक जो है उद्धव कदम, इनके मार्गदर्शन से माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब को जो मिलने के लिए आए हैं उनमें से कई जन का नाम मैं पढ़ता हूँ। शांति रखे शांति रखे। एक प्रदीप उपाध्याय जी है, घनश्याम दुबे जी है, शशिकांत पोद्दार जी है, रवि उपाध्याय जी है, अक्षय कदम जी है, सरोज पांडे जी है, राम उपाध्याय जी है, दिनेश कुमार यादव जी है, संजय शुक्ला जी है, प्रदीप तिवारी जी है, दीपक दुबे जी जो प्रमुख है, इनका नाम मैंने ले चुका हूँ। मैं अभी विनंती करूंगा सबसे पहले प्रदीप उपाध्याय जी से। आप आप भारतीय जनता पार्टी के छोड़कर आप शिवसेना में क्यों आना चाहते हैं? क्यों आना चाहते हैं वो अपने शब्द से इन्हें यहाँ स्पष्ट करें। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय श्री राम। महादेव, हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आने का हमारा मुख्य कारण ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी राम राज्य करते रावण राज्य की तरफ बढ़ते जाने का कार्य कर रही है। आज हमारे जगतगुरु शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य ने ये कहा कि मंदिर पूर्ण नहीं है और उसके बाद मुहूर्त नहीं है, उसके बावजूद आज प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसका सिर्फ मुख्य उद्देश्य है राजनीति, धर्म के लिए राजनीति करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो ये हमें पसंद नहीं है। आज राम का नाम सिर्फ इलेक्शन के लिए किया जा रहा है, आने वाला इलेक्शन है, इसकी वजह से प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम किया जा रहा है। जगत गुरु की बात नहीं सुनी जा रही है। हम संघ परिवार से है, हमें संघ परिवार ने संस्कार और निस्वार्थ धर्म के साथ कार्य करना सिखाया है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को साथ लेकर विलीन करके और उनका शुद्धिकरण कार्य करने का काम कर रही है, जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद है। हम हिंदू हैं, राम प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं, प्रभु राम को आराध्य मानने वाले लोग हैं। आज जो हो रहा है वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आज मानवीय और प्राकृतिक आपदा आने पर मुंबईकर को साथ में लेकर के संकट की घड़ी में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की शिवसेना सभी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनकी रक्षा और सुरक्षा करने का कार्य कर रही है, लेकिन आज हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को आज सभी लोग संकट की घड़ी में छोड़ के जाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम ये कार्य नहीं करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एनसीपी के भी लोग हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं। अभी तो हम यहाँ 400 से 500 लोग आए हैं, 100 गाड़ियों की काफिला है, और आने वाला समय हम मुंबई में सिर्फ और सिर्फ शिवसेना का ही शिवसेना उद्धव व बाला साहब ठाकरे का ही झंडा लहराने देंगे, ऐसा कार्य करेंगे। और
मैं ये बोल के अपनी वाड़ी विराम करता। एक उद्धव साहब की एक बात मुझे बहुत पसंद आई थी, हम सभी युवाओं को इन्होंने कहा था हिंदुत्व कैसा होना चाहिए, हिंदुत्व मुंह में राम और हाथ में काम ऐसा होना चाहिए। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। उद्धव साहब आप आगे बढ़ो। मैं अभी विनती करता हूं आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी को कि आप भी इन्हें संबोधित करें। घनश्याम जी बात करेंगे। अभी यहाँ घनश्याम जी दुबे आए हैं और घनश्याम जी दुबे विश्व हिंदू परिषद के गोरेगांव विभाग उत्तर मुंबई के प्रमुख हैं। माननीय घनश्याम जी दुबे, मैं घनश्याम दुबे विश्व हिंदू परिषद गोरेगांव विभाग धर्माचार संपर्क प्रमुख और अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद का राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष के रूप में इस मातोश्री के पावन प्रांगण में आप सभी को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। मित्रों, हम लोग को बराबर याद है कि 92 के दंगों में हमारे श्रद्धेय आदरणीय बाला साहब ठाकरे जिन्होंने बाला साहब ठाकरे उनके शिष्यों ने हमारे परिवार को रक्षा करने का काम किया और आज जब उनका परिवार संकट में है तो हमने ये संकल्प लिया कि हम लोग भी इनके परिवार के साथ संकल्प लेके कदम से कदम मिलाने का काम करेंगे। और मैं बता दूं, हिंदुत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावे के लिए हिंदुत्व करती है। यह हिंदुत्व उनकी हिंदुत्व जो है वो धर्म में राजनीति करती है, लेकिन हमारा यह शिवाजी महाराज का हिंदुत्व है, सत्य बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व है वो धर्म में राजनीति में धर्म की है। मैं ऐसे हिंदुत्व की प्रार्थना करना चाहता हूँ और आप लोगों के सामने मैं ये संकल्प लेता हूँ आज उद्धव आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के इस समक्ष और मातोश्री के इस पावन प्रांगण में कि आने वाले समय में हम लोग अपने समाज के लोगों को तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, लेकिन कोई उत्तर भारतीय नहीं, हम सभी भारतीय के रूप में शिवसेना में ला करके वापस मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आने वाले समय में बहुत सारे पदाधिकारी इसी तरह से यहाँ पे आकर के जुड़ेंगे और मैं आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए मैं इस मातोश्री पावन प्रांगण को प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राम। अब मैं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष के पक्ष प्रमुख पहले मान लू। अभी मैं आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब को विनती करता हूँ कि प्रदीप उपाध्याय जो भाजपा के उत्तर मुंबई जिला सचिव है उनके कर कमलों पर शिवबंधन बांध कर उनका शिवसेना में प्रवेश करिए। कितने भाग्यवान हो कि इतने पावन भूमि पर आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के कर कमलों द्वारा आपको शिवबंधन बांधा जा रहा है। ये शिवबंधन प्यार का है, ये शिवबंधन विश्वास का है, ये शिवबंधन राष्ट्रभक्ति का है और ये शिवबंधन सही हिंदुत्व का है। घनश्याम दुबे जी आपके सारे सहयोगी प्रदीप जी सभी का स्वागत करता हूँ और आदरणीय उद्धव साहब को कहता हूँ कि आप अभी धन्यवाद। मैं आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब को कहता हूँ कि आप इस पावन भूमि पर आए हुए सभी हमारे भाई बहनों को संबोधित करें। आपल्या सर्वांचं मातोश्री मध्ये आणि शिवसेनेत मी स्वागत करतोय। प्रदीप जी, घनश्याम जी और आपके साथ आए हुए सभी वीर शिवसैनिक सभी का स्वागत। खुशी है मुझे इस बात की जो बात आपने अपने दिल की बात, मन की बात तो सोच समझ कर होती है लेकिन दिल की बात असली होती है, आपने अपने दिल की बात कही। हमने क्या किया, किसको मदद की,
मैं याद दिलाना नहीं चाहता, मैं मानता हूं याद देनी नहीं चाहिए, याद रहनी चाहिए। और आपने जैसे कहा 92-93 की बात, मुंबई को किसने बचाया था? शिवसैनिक और शिवसेना ने ही बचाया था। और जब संकट आता है मुंबई में, वो चाहे दंगा फसाद हो, भारी बारिश हो, कुछ भी हो, तो बाला साहब ने जो हमें सीख दी है कि उस वक्त जो भी आपत्तिग्रस्त है उसकी मदद करो। जब हम रक्तदान करते हैं तो ये नहीं देखते कि मैं जो खून दे रहा हूं वो किसको जा रहा है, हम सभी एक हैं। हमने कभी ऐसे आपके और हमारे बीच में भेद नहीं किया कि आप परप्रांतीय हो, उत्तर भारतीय हो, हम मराठी हैं, सभी हिंदू। याद मुझे उस वाक्य की आती है जो प्रमोद महाजन जी ने कहा था, खुली भरी सभा में कहा था, कि बाला साहब ने उनको कहा था कि प्रमोद देख, वो जमाना अलग था, अपने आप को हिंदू कहने के लिए भी लोग डरते थे, और तभी सिर्फ बाला साहब थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो नारा उन्होंने बुलंद किया था। तो उस जमाने में तो उस वक्त बाला साहब ने प्रमोद जी को कहा था कि प्रमोद देख, इस देश में हिंदू हिंदू बनकर वोट करेगा, मतदान करेगा। अब वो दिन आ गए, वो जमाना अलग था, करने वाले कोई अलग और थे, संघर्ष करने वाले कोई कुछ और थे, अब नहीं रहे, और उसका लाभ लेने वाले कोई और ही बैठे। संघर्ष से उनको मुझे नहीं लगता कुछ लेना देना है, पकी हुई रोटी वो खा रहे हैं, लेकिन वो रोटी पकाने के लिए जिसने कष्ट उठाए, दुर्भाग्य है वो एक तो अपने बीच में नहीं रहे, और जो बीच में अपने हैं उनको बाजू कर दिया गया। आप सभी का मैं इसलिए स्वागत कर रहा हूं, एक तो इस मातोश्री में बहुत सारे लोग आए हैं, मेरे पिताजी के पास आए थे, मेरे पास भी आए, मदद के लिए आए थे, हमें बचाओ। और उस वक्त बाला साहब ने ये नहीं सोचा था आगे जाकर ये क्या करेगा, तो बचाया था उनको। अभी वही लोग हैं कि जिस बाला साहब ने और शिवसेना ने जिनको बचाया था, वही शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं। कोशिश करो, चलो मेरी चुनौती है, कोशिश करके देखो शिवसेना को खत्म करने की। हम लड़ने वाले हैं, या तो हमें खत्म करने वाले रहेंगे, रह ही नहीं सकते। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे मन में कोई पाप नहीं है, हमने नहीं दुश्मन समझा, उन्होंने हमें दुश्मन बनाया, उन्होंने हमें दुश्मन बनाया। और ऐसी समय में जो भी साथ में आता है उसका महत्व अलग रहता है। सत्ता की ओर जाने वाले बहुत लोग रहते हैं, लेकिन सत्ता जिस पक्ष के पास है उनको छोड़कर जिसके साथ लड़ाई हो रही है उनके साथ आना बहुत ही कठिन होता है, वो एक मर्दानगी आपने दिखाई। और इसलिए मैं ज्यादा अभी भाषण नहीं करूंगा, मैं तो चाहता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में मुंबई में उत्तर भारतीयों का सम्मेलन करो, रैली करो, मैं आता हूं, करो बहुत जल्द करो। तो उस वक्त में आकर मेरे दिल में जो कुछ है मैं खुलेआम कहूंगा। खैर, आज तो मैं सबका स्वागत करता हूं, और आपने जो भगवा हाथ में लिया है, भगवे में फर्क नहीं होता है, हमारा भगवा अलग है, वो जो एक एडवर्टाइजमेंट थी ना, अरे तुम्हारी कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसी, वैसे भगवा नहीं, भगवा भगवा ही होता है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का है, प्रभु श्री रामचंद्र का है, भगवान कृष्ण का है, सभी भवानी माता का है। तो उसमें उन्होंने भेद किया है, हिंदुत्व में भेद करने की कोशिश कर रहे, ये कौन से लोग हैं? हम गर्व से कहो हम हिंदू है कहते हैं, लेकिन अब ये जो वहां बैठे हैं नालायक लोग, वो हिंदुत्व में भेद कर रहे हैं, हिंदुओं में भेद कर रहे हैं, उनसे सावध रहो। और मुझे आज खुशी है आप सभी लोग शिवसेना में आए, ताकत तो हिंदू की बड़ी है, हिंदुओं की बड़ी है, और उसको हम सही रास्ते पर लेकर जाएंगे। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आणि एकदाच एक मोठ्याने नारा द्या, जय श्री राम। आदरणीय उद्धव साहेबांनी आप सभी का एक मंत्र म्हणत आहे।
ब्रह्म बिरजा देवम गौरे पुत्रम विनायकम भक्तावासम मस्मे नित्य कामार्थ सिद्ध प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतम तृतीयकम तृतीयम गडपिगम चम गजवक्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रम धूम्रवाणम तथा षष्टमम नवम बालचंद्रम च दशम तो विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तो गजानन द्वादशैतानि नमानते संयम यः पठन् नरः न च विघ्नभ्यं दश सर्व सिद्धिक्रम प्रभो विद्यार्थि लभते विद्यां धनार्थि लभते धनम। एक बार प्रेम से बोलो गणपति के जन महाराज की श्री रामचंद्र भगवान की। धन्यवाद सभी मर्दानी वाले लोगों को, माँ बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, जय श्री राम।